दूसरा बात करते हैं जीवन में स्ट्रेस को कैसे कम करें और स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस जो हम हमारा जीवन स्ट्रेस से भर जाता है और हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस है क्या? एक तनाव जो हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारे मन में, मस्तिष्क में भर जाता है और जिससे हम परेशान रहते हैं, वी कैनॉट स्माइल, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस को हमें दूर भगाना है, कैसे भगाना है ये हम देखते हैं। स्ट्रेस आता है जब हमें बहुत सारा काम ज्यादा होता है और वक्त कम होता है। When the lot of pressure in our mind, एक स्टूडेंट को लगता है कि उसे ये करना, एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारा वर्क है उसके लिए, पेंडिंग है, वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो हमें हमेशा टाइम मैनेजमेंट देख के चलना चाहिए। इफ यू मैनेज अवर टाइम, इफ यू मैनेज अवर माइंड, इफ यू मैनेज अवर हेल्थ, सो वी कैन बी स्ट्रेस फ्री। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम छोटी छोटी बातों को, जिन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, उनको इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं अपने जीवन में कि वो हमारे अंदर एक स्ट्रेस भर देती है, एक तनाव को भर देती है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा हम सबकी परवाह करते फिरते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, दिस एंड दैट, वी जस्ट पेटी थिंग्स पे हम अपना माइंड फोकस करते हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, हम अपने आप से खुद से बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो वी मस्ट सेट अवर लिमिट, वी शुड नो अवर स्ट्रेंथ, वी शुड नो अवर वीकनेसेस, और हम अपनी क्षमता के अनुसार अपना टारगेट सेट करें और वहां तक हम, जहां तक हम जा सकते हैं और वहां तक का रास्ता चुने, तो शायद हम स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं। किसी भी वजह से अगर हमारे जीवन में कोई भी तनाव है तो हम सबसे पहले ये देखें कि व्हाट आर द रीजंस, और थोड़ा सा जीवन में शांत होके अपने आप को देखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट करें, हमें क्या चाहिए, हम किसके पीछे भाग रहे हैं, तनाव आखिर क्यों आता है हमारे जीवन में। सब कुछ सेट है लेकिन हम अपसेट हैं, हम अपसेट रहते हैं, और ये छोटी छोटी जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, जो कभी पूरी नहीं होती हैं, हमारे मन में तनाव भर देती हैं। तो हम सबको देखना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि हम आखिर किस बात से लड़ रहे हैं, किस बात से हम इतना परेशान हैं। तो एक अपने आप को देखें, अपने सांसों को देखें। ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट in our life, it always helps you to make you light. सांसों पे हम जितना ध्यान देंगे, हम अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं। अपने मन को, मस्तिष्क को खाली रखना है, मस्तिष्क में बेमतलब का कचरा, बेमतलब की बातों को नहीं भरना है। थोड़ा सा योगा, प्राणायाम जरूर सीखें अपनी लाइफ में, इसको एक बहुत अहम हिस्सा दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव ए वेरी सिस्टमेटिक लाइफ विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। उसमें आपके में प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे सुबह क्या करना है, दिन में क्या करना है, एक दिनचर्या को फॉलो करें, एक ऐसा टाइम शेड्यूल बनाए जिसमें आपके पास टाइम ही ना हो, वक्त ही ना हो कि जब आप फालतू की बातों में विचार करें। जीवन बहुत छोटा है, लाइफ इज सो शॉर्ट, इसको जितना हो सकता है आप उतना अच्छे से जिए, बहुत अच्छे से जिए, बिल्कुल फालतू बातों को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। जैसे कुकर में अगर जब हम बनाते हैं कुछ और जितना प्रेशर होता है फिर वो सीटी मारता है ना, अगर आप बंद भी कर देते तो उसके अंदर इतना भाप हो जाता है कि वो विसिल पे विसिल विसिल पे विसिल मारता है। ऐसी जब हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी चाहत ऐसी भर जाती हैं और वो पूरी नहीं होती हैं, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जस्ट कट योर डिजायर्स, आस्क जो जरूरी है, जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं है, सिर्फ उसको आप पाने के लिए प्रयास करें। और जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है टू बी हैप्पी इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, सो बी हैप्पी।
थैंक यू।